आइए दोस्तों, हम आज आपको कली वाला सलवार काटना सिखाते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पर ऑनलाइन लेडीज टेलर। कली वाला सलवार, वो भी बेल्ट वाला और घेरा ज़्यादा हो, उसके लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए और किस तरह से है उसको काटेंगे, तो आज हम आपको वो तरीका बताते हैं। ये देखिए, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। 2.5 मीटर कपड़े में आप कली वाला सलवार काट सकते हैं। नीचे कली जाए, अक्सर कहते हैं लोग, मेरे पास कमेंट भी आया कि भैया कली वाला सलवार किस तरह से काटी जाएगी, तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। तो ये है कपड़ा, ये देखिए दो है, ये दो लेयर में मैंने कपड़ा बिछाया है। ये देखिए, ये दो लेयर का कपड़ा है। इस तरह, जिस तरह से आम तौर पे सलवार काटी जाती है, ये इसको सही पहले आप साफ कर लीजिए, उसके बाद फिर ये हमने घुमा दिया। अब इसको घेरा भी हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घेरा है, तो ये 25 इंच लगभग के करीब आ रहा है, 25 इंच आ रहा है, 25 इंच 50 के करीब है। आगे पीछे मिला के ये घेरा हो जाएगा। इसमें कली थोड़ी ऊपर से लगेगी या नीचे से भी, जैसा कपड़ा हो, तो कपड़े के हिसाब से कली एडजस्ट करना है। दोस्तों, इसकी लंबाई है 38 इंच, 13 इंच बॉटम है और 24 बाय 8.5 इंच। 38 इंच की लंबाई है, 13 इंच का बॉटम है, 24 इंच की बेल्ट की चौड़ाई है और 8 इंच उसका बेल्ट का लेंथ है। तो सबसे पहले हम निशान हम लगाएंगे 38, 6 इंच निकाल के बाद, इसलिए कि अक्सर 6 इंच ही निकाला जाता है। 6 इंच निकालने के बाद यहाँ से आप 38 इंच पर निशान लगाइए और 13 इंच का बॉटम लिख दीजिए इस पर। उसके बाद आप निशान लगा दीजिए इस पर। और ज़रूरी चीज़ ये दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये है 13 इंच, तो ये 11.5 या 12 की ये लेंथ होनी चाहिए। ये जो हमने इसको हल्का सा फोल्ड किया है, तो इसकी जो फोल्डिंग है लगभग 12 इंच, यानी 1 इंच हमेशा कम रहना चाहिए बॉटम से। तो ये कितना है, 13 इंच, तो 13 इंच यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से सीधे वहाँ मिला देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 इंच पर यह निशान लगता है, ये 10 इंच पर निशान लगा दिए। पिछले सलवार हमने काटा है, आपको पहले से मालूम होगा, यहाँ इसको मिला देंगे। अब ये जो कपड़ा आपका ये है सारा, ये घट रहा है, तो ये कपड़ा हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। मार्जिन देके काटेंगे, ये मार्जिन, अब आप देखिए ये कपड़ा आपका इतना, यहाँ हम थोड़ा सा निशान लगा देंगे कुटके का, ताकि आइडिया हो जाए कि यहीं से हमको कली जोड़नी है। तो ये अब ये बचा हुआ कपड़ा है इस साइड का, इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, जितना घट रहा है इसको इस तरह से मैनेज करेंगे। इसी का कपड़ा इसी में हम लगाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ लीजिए, जहाँ तक ये नीचे जाए वहाँ तक हम नीचे कर दीजिए। अब इसके बराबर काट दीजिएगा। देखिए कपड़ा कितने आसानी से निकल गया और कितने आसानी से आपकी ये कली जुड़ गई, ये आप देख लीजिए। यूं करके हो गया आपका ये सलवार कट गया कली वाला। यही कली का जॉइंट लगेगा, यही जॉइंट लगेगा, जो आप सिलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको इसको, हमें जॉइंट लगाना कहाँ है।
उसके बाद 24 इंच का बेल्ट है, एकदम कंप्लीट 24 इंच का बेल्ट हमको चाहिए। तो ये कपड़ा दो पल्ले वाला है ये। उसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे और 24 इंच की लेंथ लेंगे। पहले 24 इंच ये आ रहा है और आपको पता ही है 8.5 इंच निकलता है, तो एकदम तैयारी आ रहा है हमारा। ये 8.5 इंच, 8.5 करीब आ रहा है पूरा। दो निशान लगाएंगे, ये नेफे वाला निशान है और ये मार्जिन के साथ काटेंगे। ये हो गया आपका सलवार कट गया। बाकी ये जो कपड़े बच रहे हैं वो आप जानते ही हैं, मियानी वगैरह लगाना है। तो आपको एक बार और निशान लगा के बता दें, ये और आपका ये बेल्ट, ये देखिए, सॉरी ये यहाँ से मुड़ जाएगा। बाकी ये बेल्ट है आपका और जितना भी घेरा इसके अंदर आएगा आपका आगे और पीछे मिला के घेरा आ जाएगा और नीचे कल्ली भी लग जाएगी। ये देखिए कर ली है, तो ये आसानी से आप काट सकते हैं इसको। धन्यवाद दोस्तों।